अभिनव राजस्थान पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक घनसी जनकपुरी में आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। अभिनव राजस्थान पार्टी के स्टेट काउंसिल मेंबर पंकज गुप्ता ने बताया कि पार्टी अपनी लिखित गारंटीशुदा योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार यात्रा निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई घनसी जनकपुरी पहुंची। यात्रा के माध्यम से लोगों को राजनीति को छोड़ लोकनीति को अपनाने और अपने जन प्रतिनिधियों से सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वोट मांगने के दौरान मतदाता सवाल कर उनसे भविष्य के प्लान पूछ सके और उनकी नियत को परख सके। यात्रा के दौरान पार्टी की योजनाओं को बताया जाएगा। सदस्य बेन सिंह ने उपस्थित सदस्यों से यात्रा को लेकर सुझाव मांगते हुए कहा कि इस बार वोटर अपनी ताकत स्टैम्प के रूप में अपने पास रखेगा। हमने गठित की नई पार्टी, हमारे वही सारे लोग बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में बैठे और आएंगे मैदान में, लेकिन नए तरीके से आएंगे। ये जो चल रहा है इस तरीके से नहीं आएंगे। तो हमने कहा जो चल रहा है वो तो राजनीति है, राज में आने की नीति है, छल कपट झूठ बोल के आने की नीति, समाज को बांटने की नीति। हमने कहा हम ऐसे काम नहीं करते, हम इस चुनाव को लोकनीति की तरह से लड़ेंगे। और लोकनीति का हमारा मतलब होता है कि हम बोलेंगे हमारे पास शिक्षा की क्या नीति है, हमारे पास प्रशासन की क्या नीति है, युवाओं के लिए हमारे पास कहने को क्या है, किसानों के लिए कहने को क्या, हमारी नीति होनी चाहिए। और नीति लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे कि हमारे को इसके लिए वोट दें। हमने ये तय किया हम किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री पे भूतपूर्व पे हम आरोप नहीं लगाएंगे, किसी भी मंत्री पे विधायक पे आरोप नहीं लगाएंगे, हम उनका नाम ही नहीं लेते हमारी भाषणों में मीटिंगों में। इसमें कुल 51 उम्मीदवारों को की घोषणा कर रहे हैं। ये उम्मीदवार राजस्थान के सभी अंचलों से हैं, सभी सामाजिक वर्गों से हैं और जातिगत समीकरणों को तोड़ते हुए आगे आने वाले दिनों में, यानी 15 तारीख से पहले हमारी बाकी सूची जारी हो जाएगी। हम लोग हमारा चुनाव प्रचार बहुत सादगी से करेंगे, लेकिन बहुत ढंग से करेंगे। राजस्थान का कोई भी घर और कोई भी दुकान बाकी नहीं रहेगी जहां तक हमारी बात नहीं पहुंचे। और हम ये चुनाव लोकनीति के आधार पर लड़ेंगे। राजनीति वाली बातें, आरोप प्रत्यारोप, कीचड़ उछालना हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। इस एफिडेविट में राजस्थान का भविष्य लिखा हुआ है और हमने कहा है कि ये जो काम हमने लिखे हैं ये तय समय में हम करेंगे। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कोई भी जागरूक नागरिक हमारे खिलाफ किसी कोर्ट में जाकर हमको प्रोसिक्यूट कर सकता है, और अगर हमको शासन की जिम्मेदारी मिलती है, हम लोग काम नहीं करते, हमको वहां से हटाया जाए। हम इसमें 1000 लोग हैं जिन्होंने गठन किया, इसका मेन हम सारे लोग हैं, हम सारे ग्रुप के लोग। एक पर्टिकुलर व्यक्ति तो होगा ना जिसकी सोच होगी कि इसको गठन किया जाए, और क्या सोच के साथ आपने गठन किया? एक्चुअली में हमारी एक काउंसिल है, उसमें 160 लोग हैं, इसको हम स्टेट काउंसिल बोलते हैं, और 160 लोगों का दर्जा बराबर का हमने कर रखा है कि सभी बराबर के दर्जे के। और ये जो टिकट्स के बारे में जो सिलेक्शन करना, टिकट देने की अधिकार है, ये सारे के सारे हमारे स्थानीय कार्यकारिणी का, उनको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। लाइक उनको गंगानगर में किसी कैंडिडेट को तय करना है तो मुझसे नहीं पूछेंगे, वो तय कर लेंगे। क्या सोचकर आपने पार्टी का गठन किया है? हम सोच रहे हैं कि एक बेहतर राजस्थान बने, ऐसा राजस्थान बने जिसमें आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हो, राजस्थान के पास खूब सारा पैसा हो। कितना पैसा होगा, यहाँ के लोगों को राजस्थान छोड़ के नहीं जाना। अभी जो हालत हो रही है, हमारी पूंजी बाहर जा रही है। राजस्थान के बाजार में देखो, अजमेर के बाजार में, दुकान में देखो, माल 90% माल। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।